हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए डायलिसिस के बाद कमजोरी क्यों होती है इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि जो पेशेंट डायलिसिस करवा रहे हैं, जो पेशेंट किडनी फेल होने के बाद उनका डायलिसिस चल रहे हैं और डायलिसिस के बाद उनको कमजोरी सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि आप पूरी इस पर आपको नॉलेज हो सके और आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा मेंटेन करके रख सकें और बाकी सारे काम भी कर सकें। तो फ्रेंड, डायलिसिस पे होता क्या है, मतलब हम ये जानते हैं, डायलिसिस जो होता है वो हमारे शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर कर देता है बॉडी से, जिसमें प्रोटीन्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का काम करती हैं। होता क्या है कि जो डायलिसिस होता है ये एक मशीनी प्रक्रिया होती है, एक मशीनी किडनी का काम करती है वो, जो हमारा डायलाइजर होता है इतना बड़ा, उसमें हमारा ब्लड जाता है और ब्लड हमारा छन के साफ ब्लड हमारे नीचे से वापस आ जाता है। तो उसी बीच जो होता है क्या कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है वो डायलाइजर बाहर कर देता है उनको हमारे ब्लड में से, तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बाहर चली जाती हैं और जिसकी वजह से हमको काफ़ी वीकनेस महसूस होने लगती है डायलिसिस के बाद। और दूसरा इसमें कारण एक और होता है, वो होता है हमारा ड्राई वेट। डायलिसिस पे हम जब भी जाते होंगे तो टेक्नीशियन आपसे पूछता होगा कि आपका ड्राई वेट कितना है सर, आप मैडम आपका ड्राई वेट कितना है। ड्राई वेट बहुत मायने रखता है हमारे को कमजोरी से रोकने के लिए, क्योंकि अगर ड्राई वेट से ज़्यादा हम लोग अपना यूएफ निकलवा देते हैं, यूएफ क्लियर हो जाता है, तो फ्रेंड हमको वीकनेस आनी ही आनी है, हमारा बीपी भी काफ़ी लो हो जाएगा। तो पहले हमको अपना ड्राई वेट जानना है। ड्राई वेट हमको हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसको हम कंसल्ट करते हैं, वो हमको अच्छे से बता सकता है। ड्राई वेट वैसे तो मैं आपको एक आम भाषा में बता देता हूँ, होता क्या है ड्राई वेट, वो होता है जब हम शुरू में जब डायलिसिस पे जाते हैं तो जो हमारा वेट होता है वो हमारा ड्राई वेट होता है। जब हम डायलिसिस कराते हैं शुरू में तो उनको पता नहीं होता कि कितना पानी निकालना है, तो वो 2 लीटर या 1 लीटर पानी या 2.5 लीटर पानी निकाल करके बॉडी में से देखते हैं। अगर हमारा बीपी सही रहता है और हमको ज़्यादा कमजोरी भी, क्योंकि शुरू में डायलिसिस पर कमजोरी महसूस नहीं होती है इतनी, तब 3-4 डायलिसिस के बाद हमारी को पता लगता है कि हमारा ड्राई वेट कितना है, क्योंकि तब हमारे पैरों में क्रैम्प्स नहीं आते, हमारे हाथों में क्रैम्प्स नहीं आते हैं, तो वो जान जाते हैं कि 2 लीटर 2.5 लीटर इनका पानी निकालने पे इस बंदे को क्रैम्प्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका ड्राई वेट इतना होगा। और डॉक्टर होगा तो वो आपको एक टेस्ट करवा करके और सही से आपका ड्राई वेट बता देगा। तो जब आपको अपना ड्राई वेट पता लग जाएगा तो आपका ड्राई वेट मेंटेन रहेगा। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरा ड्राई वेट मान लो 50 50 किलो है, तो मेरा जब ड्राई वेट 50 किलो है, अब मान लो कि मेरा डायलिसिस हफ्ते में 2 होते हैं, तो मेरा डायलिसिस करवाने के अगले डायलिसिस तक अगर मेरा 2.5 लीटर पानी बढ़ रहा है तो मेरा मान लो 52.5 किलो वजन हो जाता है, 52.500 ग्राम्स। तो मैं अपना ड्राई वेट में से वो 52 किलो में से ये अपना 50 किलो माइनस कर दूंगा तो मेरा 2.5 किलो पानी बढ़ा होगा, तो वो 2.5 किलो में 500 ml जोड़ करके 300 ml पानी लगा देगा, 300 ml पानी निकाल देगा। जब वो डायलिसिस मेरा होगा तो मेरा यूएफ 300 ml क्लियर हो जाए, अच्छा सॉरी 3 लीटर, सॉरी सॉरी फ्रेंड, 3 लीटर मेरा यूएफ क्लियर हो जाएगा। जब 3 लीटर यूएफ क्लियर हो जाएगा और जब डायलाइजर में से वो रिटर्न करेगा तो डायलाइजर में भी 300 से 300 ml, 350 ml तक हमारा ब्लड रहता है, 250 से 300 ml तक ब्लड रहता है, फिर वो एनएस से सारा ब्लड हमारे को वापस चढ़ाता है, तो थोड़ी बहुत एनएस भी चली जाती है 150 ml के आसपास, तो ड्राई वेट हमारा मेंटेन हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना ड्राई वेट पता करना है डॉक्टर से कि आपका ड्राई वेट कितना है और अपना आपको ड्राई वेट मेंटेन करके रखना है, ठीक है फ्रेंड। और दूसरा आपको सबसे बड़ा जो इसमें रहता है प्लस पॉइंट, वो आपका रहता है पानी का, आपका यूएफ नहीं ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको ना तो खाना नुकसान कर रहा है ना अब ये कुछ नुकसान करता है, हमको सिर्फ पानी ही नुकसान करता है, थोड़ा पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है लेकिन पानी सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि हमारी किडनी पानी नहीं निकाल रही है, हमारी बॉडी में से पानी नहीं निकल रहा है, सारा वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो
तो आपको अपने पानी पे कंट्रोल करना है। पानी पे जब कंट्रोल करेंगे तो आपको आपको कमजोरी डायलिसिस के बाद कम महसूस होगी, और आपका जब पानी कम बढ़ेगा, आपका पानी कम बॉडी में से निकलेगा तो आपको कमजोरी कम महसूस होगी। और तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि आपका डायलिसिस अगर हुआ, हो गया डायलिसिस आपका, डायलिसिस होने के बाद आपको हैवी प्रोटीन डाइट लेना है, हैवी प्रोटीन डाइट लेना है डायलिसिस होने के बाद, जिसमें आप बॉयल एग्स ले सकते हैं, बॉयल एग्स में व्हाइट वाला पार्ट ले सकते हैं, या व्हाइट वाले पार्ट की आमलेट ले सकते हैं, 3 अंडे की या 4 अंडे की, आपका जो डॉक्टर जितना आपको बताता है। वैसे मैं 4 अंडे की आमलेट लेता हूँ डायलिसिस होने के बाद, और मैं सोयाबीन्स लेता हूँ, सोयाबीन में हाई प्रोटीन होता है, सोयाबीन को मैं हल्के से तेल में, सरसों के तेल में फ्राई करवा लेता हूँ, और बहुत हल्का नमक लेता हूँ, क्योंकि एक डायलिसिस पेशेंट को कम साल्ट लेना चाहिए, उसका सोडियम लेवल कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि सोडियम ज़्यादा बढ़ता है तो हमको प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगेगी तो पानी ज़्यादा बढ़ेगा, और पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो हमको पानी ज़्यादा निकलवाना पड़ेगा, पानी ज़्यादा निकलवाओगे तो कमजोरी होनी ही होनी है आपको। तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, नमक कम लेना है, थोड़ा सा पनीर ले लेना है, पनीर आपको 100 ग्राम पनीर ले लीजिए, आपको खा लेना है। अगर आप चिकन ले लेते हैं या फिश ले लेते हैं तो और भी अच्छा है, तो आपको अंडे वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, चिकन ले लीजिए, चिकन भी बहुत थोड़ा सा लेना है, जैसे एक लेग पीस ले लिया, या एक विंग्स का पीस, दो विंग्स के पीस ले लिए, या चेस्ट का थोड़ा सा पीस ले लिया, बस इतना बहुत होता है प्रोटीन। और दूसरा, अगर फिश मिल जाए तो और भी अच्छा है, फिश के 2 पीस खा लीजिए आप, चाहे उसको बॉईल करके खाइए, चाहे स्टीम में उसको कुक करवा खाइए, जैसे मोमोस बनते हैं वैसे। तो इससे क्या होगा कि जो आपके शरीर में जो भी प्रोटीन निकल गया है, जो भी न्यूट्रिशन निकल गए हैं, वो वापिस आ जाएंगे, और आप वीकनेस से बचे रहेंगे, और आपको वीकनेस नहीं होगी, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। अब मैं अपनी बात करता हूँ तो फ्रेंड, मुझे वीकनेस बहुत कम होती है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 40 किलोमीटर दूर जाता हूँ डायलिसिस कराने के लिए, अपने घर से 40 किलोमीटर खुद ड्राइव करके जाता हूँ, और डायलिसिस के बाद मैं 5-10 मिनट के अंदर, जब मेरा ब्लड रुक जाता है, और वो जब मेरे यहाँ पे पट्टियाँ बांध देते हैं, तो मैं उठ जाता हूँ, और उठने के बाद नीचे आता हूँ पार्किंग में, अपनी स्कूटी निकालता हूँ, और सीधा घर पे अपना आ जाता हूँ। आप जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में कितना ट्रैफिक होता है, और मैं उस ट्रैफिक में खुद ड्राइव करके घर पे आता हूँ अपने आप, और घर पे आकर के हाई प्रोटीन डाइट लेता हूँ, जिससे मेरा जितना भी प्रोटीन निकल गया है या जो भी न्यूट्रिशन कम हो गए हैं, वो मेरे को वापस मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे करके आप ये छोटी सी ट्रिक अपना करके अपने शरीर में होने वाली कमजोरी से बच सकते हैं, और अच्छा महसूस कर सकते हैं, और आराम करने के बजाय आप अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुछ काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स, और मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार दीजिए फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड्स।